तो आज हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी टेमरिंड खाया है, इमली खाए हैं, कोई सिट्रस फ्रूट खाया है, जैसे कि आपने लेमन हुआ या फिर आपका ऑरेंज हुआ तो थोड़ा याद कीजिए, या फिर आपने ग्रीन एप्पल खाया हो तो थोड़ा याद कीजिए, उनमें एक चीज कॉमन है सर, क्या चीज कॉमन है, दे आर फ्रूट। हाँ बच्चों, फ्रूट तो है लेकिन वो खट्टे हैं, उनका टेस्ट खट्टा होता है। सर खट्टा क्यों होता है? आप जानते हैं जो भी चीज खट्टी है उसमें रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड, जहां भी एसिड होगा वहां पे खट्टापन जरूर होगा। अब बात करते हैं कि सर एसिड होता क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड रिलीजेस एच प्लस और हाइड्रोनियम आयन। बच्चों एच प्लस को प्रोटोन बोलते हैं और एच थ्री ओ प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इन वॉटर, एग्जाम्पल HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। बच्चों कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और जो वॉटर में डिजोल्व करने के बाद आपको H+ दे। अब सर आपने वहां पे H+ और हाइड्रोजन आयन क्यों लिखा है? तो बच्चों होता क्या है कि जो H+ होता है ये वाटर के अंदर H+ फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पे चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा, जब HCl लेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, ये H+ देगा, बच्चों H+ यहां पर जाएगा बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और जो HCl से बचा हुआ फ्रेगमेंट है Cl उस पे चार्ज आएगा माइनस। तो आप देख सकते हैं HCl ने वाटर में दिया हाइड्रोनियम आयन तो ये होगा हमारा एसिड। ऐसे ही H2SO4 है और एसिटिक एसिड है। तो याद रहेगा आपको, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन देता है वो कहलाता है एसिड। अब सर बात ये आती है कि सर इनको एसिड क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोल सकते? तो बच्चों हमको पता होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एसिडस और उसका मतलब होता है खट्टा। तो एसिड जो है ये एसिडस, लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है बिकॉज इट मीन्स सोर। आइए देखते हैं सर, अब क्वेश्चन आता है कि सर इनको एसिड ही क्यों बोलते हैं? तो बच्चों टर्म एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर, दैट्स व्हाई एसिडिक सॉल्यूशन हैज अ सोर टेस्ट। एग्जाम्पल रहेगा विनेगर लेमन। बच्चों आपने चाउमीन खाया होगा, फास्ट फूड खाते हैं, अच्छा लगता है, तो आपने लेमन एड पिया होगा, लेमन का जो बनाते हैं, तो आप याद कीजिए लेमन जूस और विनेगर जो मार्केट में अवेलेबल है उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है बिकॉज दे आर सोल्यूशन, दे आर एसिडिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशन जब भी आप लेंगे तो वो खट्टा लगेगा आपको। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ एसिड वर्ड कहां से आया है? सर ये लैटिन वर्ड एसिडस से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा और इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन खट्टे होते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। अब सर सवाल होता है कितने टाइप के एसिड होते हैं, हम उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स लेते हैं, तो एसिड्स को हम लोगों को टाइप बताना है तो हमको पता होना चाहिए कि उनको टाइप जो होते हैं वो डिपेंड किस पर करते हैं, कैसे बनते हैं टाइप। तो सर एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं चार बेस पे, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सर किससे मिला है आपका एसिड, कैसे बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है। तो सोर्स के बेस पे एसिड जो होते हैं उनकी दो क्लास होती है, पहली क्लास ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। बच्चों इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, वन बाय वन चलते हैं। सेकेंड रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बेस पे जो होगा वो एसिड के दो टाइप होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा वीक एसिड। अब थर्ड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सर अगर आप लेबोरेटरी गए हो या आपको जाने का मौका मिले तो प्लीज देखिएगा वहां पे रैक लगे होते हैं और रैक में जो होते हैं रिएजेंट बोतल होती है उन पे टैग लगा होता है, तो आप देख पाएंगे वहां पे कंसंट्रेट और डाइल्यूट मेंशन होगा किसी स्पेसिफिक केमिकल के नीचे। तो अब आगे चलते हैं फोर्थ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एच आयन। बच्चों ये भी बड़े कमाल का कंसेप्ट है, आप देखेंगे कि आप डिफरेंट एसिड लेंगे और वहां पर जो एच प्लस देते हैं या फिर वो जो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, बच्चों आप जानते हैं हाइड्रोनियम आयन का बनना डिपेंड करता है कि वो कितने H दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H प्लस लिखा है। HCl लेते हैं मान लिया, तो आप जानते हैं HCl एक H प्लस देगा, लेकिन सर अगर H2SO4 लिया तो ये दो देंगे। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के एसिड होते हैं जहां पे H आयन का नंबर वेरी करता रहता है, हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। क्लियर हुआ? तो
हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एसिड दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, दीज आर कार्बन कंटेनिंग एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड जनरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल रहेंगे ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा. बच्चों इनिशियली जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड थे ये प्लांट और एनिमल से आइसोलेट किए गए थे, आज भी किए जाते हैं. और खास बात क्या है कि ये कार्बन कंटेनिंग एसिड होते हैं और इनको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आप जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड हमारा टोमेटो में होता है, टार्टरिक एसिड हमारा टैमरिंड इमली में होता है, यूरिक एसिड हमारे यूरिन में रहता है बच्चों, लैक्टिक एसिड आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा, दूध में, दही में, और ये मैलिक एसिड आपको एप्पल में मिलेगा. कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो ऑर्गेनिक एसिड्स करंटली कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. बच्चों मेनली आजकल ये जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है ये लेबोरेटरी में ही बनाया जाता है सिंथेटिक वे में. और इस इनका जो नेचर होता है दीज आर वीक एसिड, वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. अब बात करते हैं सेकंड वाला टाइप, वो है इनऑर्गेनिक एसिड. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स. बच्चों याद रखिएगा जो हमारे मिनरल्स होते हैं दे आर डिसॉल्व्ड इनटू वाटर टू गेट एसिडिक सॉल्यूशन. तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा हमेशा इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन दैट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल आप जानते ही HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स. बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट है वीक एसिड और दूसरी क्लास है हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की. अब बच्चों होता क्या है, एज अर्लियर डिस्कस एसिड्स आयनाइज और डिसोसिएट्स इनटू वाटर. जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट होता है एच आयन देने के लिए या फिर हाइड्रोनियम आयन देने के लिए. एसिड्स डिसोसिएट इनटू आयन्स ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. बच्चों यहाँ पे जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्लास होगी. और ये जो हम लोग डिसोसिएशन होने का रेट है इट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. अल्फा का वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि स्ट्रेंथ क्या होगी. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अल्फा निकालने के लिए आपको देखना होता है नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसोसिएटेड. कितना मोल या कितना मॉलिक्यूल एसिड का डिसोसिएट हो रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड टेकन इनटू 100 कर दीजिए. इस तरह हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इससे ही आप बताएंगे कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब कि वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा. तो आइए देखते हैं यहाँ पे वीक एसिड लिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है. आपको बताया नाम से चल रहा पता है वीक. वीक एसिड की बात करते हैं बच्चों, दे डिसोसिएट और आयनाइज पार्शियली. Their alpha value is found less than 30%. Organic acids, acetic acid, phosphoric acid, carbonic acid are the example of weak acid. बच्चों ये बहुत थोड़ा आयनाइज होते हैं. यहाँ पे नंबर जब ये थोड़ा आयनाइज होंगे तो नंबर ऑफ H प्लस और हाइड्रोनियम आयन का नंबर काफी कम होगा, नंबर कम होगा तो अल्फा वैल्यू भी कम होगा. और वीक एसिड के लिए अल्फा वैल्यू 30% से काफी कम होती है इसलिए ये वीक एसिड कहलाते हैं. अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की. दे डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव लार्जर नंबर ऑफ H प्लस और हाइड्रोनियम आयन. जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट या आयनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएंगे और अल्फा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा. और नॉर्मल अल्फा का वैल्यू यहां पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बोलते हैं भाई 30 अप. अगर 30% से ऊपर 30% से ऊपर आपका अल्फा का वैल्यू आता है तो समझ जाइए दैट क्लास विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. इसके एग्जांपल रहेंगे HCl, HNO3 और H2SO4. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और याद करें तो आपको मालूम पड़ेगा ये इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं और ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड. बच्चों क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड इन इट्स सॉल्यूशन डिसाइड्स कंसेंट्रेशन. आपको पता है यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, एसिड के सॉल्यूशन लेते हैं. तो यहां पर डाइल्यूट एसिड और कंसेंट्रेटेड एसिड दो एसिड होंगे, बहुत सॉल्यूशन होते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड की. बच्चों डाइल्यूट एसिड में एसिड परसेंटेज जो होगा वो वाटर के कंपैरिजन में काफी कम होता है, यानी वाटर ज्यादा और एसिड कम. तो क्या कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, इसका रिवर्स कीजिए. अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा है किससे, वाटर सॉल्वेंट से, तो वो कहलाएगा आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब ये जो पॉइंट यहां ग्रीन से लिखा हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए. आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है. एसिडिक सॉल्यूशन हैज लेस देन 1 मोल ऑफ एसिड
then it is called dilute acid. बच्चों अगर आपके acidic solution के अंदर acid की amount 1 mole है, 1 mole से कम है, तो आपको ध्यान रखना है ये 1 mole criteria आपको लेके चलना है कि अगर आपके acidic solution में acid की amount 1 mole से कम है, तो वो क्या आएगा? Dilute acid. लेकिन अगर आपके acidic solution में acid की amount 1 mole या 1 से कहीं ज्यादा है, तो वो जाएगा आपका concentrated acid. Hopefully आपको clear हुआ होगा. Next है on the basis of number of HI in the solution. आपका acid जो है वो solution में dissociate होके कितने HI देता है. तो इस base पे हम लोग करते हैं इसको type of acid या classify करते हैं. तो यहाँ पे हम लेते हैं acid, यहाँ पे लिया है number of HI, यहाँ पे लिया है name और type of the acid. हमने कुछ example लिए, आप देख सकते हैं HCl, HNO3, acetic acid, H2SO4 और phosphoric acid. ये कुछ acid है. अब देखिए HCl, ये number of HIN की बात करें तो HCl एक HIN देता है, इसलिए कहलाता है monobasic acid. बच्चों जितना भी acid number of HIN देगा, जितने भी वो HIN देगा वो उसकी basicity कहलाती है. मान लीजिए कोई एक देता है तो वो कहलाएगा monobasic, कोई दो देता है dibasic कहलाएगा, और अगर कोई तीन HIN देता है तो tribasic कहलाएगा. जैसे HNO3 एक HIN देता है, एक H+ देता है, कहलाएगा monobasic acid. बच्चों acetic acid भी एक HIN देता है तो कहलाता है monobasic. लेकिन जो H2SO4 आपका sulfuric acid है, ये दो H+ देता है, दो HIN देता है, इसलिए कहलाता है dibasic acid. अब बात करते हैं phosphoric acid की, तो आप देख सकते हैं कि ये तीन HIN देता है, इसलिए कहलाता है tribasic acid. तो हमने जाना कि on the basis of number of HIN, acid के तीन टाइप होते हैं, monobasic जो एक H+ देता है, और dibasic जो दो H+ देता है, और tribasic जो तीन H+ देता है. क्लियर है बच्चों? अब डिस्कस करते हैं सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और बहुत इजी रहता है, केवल नाम देगा और उसका सोर्स पूछेगा. तो हियर आर सम एसिड्स. पहला लेते हैं एसिटिक एसिड. तो बच्चों आपको पता है कि एसिटिक एसिड का सोर्स होता है विनेगर. दूसरा है सिट्रिक एसिड, ये आप जानते हैं हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ऑरेंज और लेमन यूज करते हैं, तो वहां से आपको मिलता है सिट्रिक एसिड. थर्ड होता है टार्टरिक एसिड, जो मिलता है इमली के अंदर, टैमरिंड के अंदर. नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स होता है टोमेटोज. नेक्स्ट मैलिक एसिड, एप्पल, स्पेशली जो ग्रीन एप्पल होते हैं उसमें ये ज्यादा होता है. नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क या सोर कर्ड के अंदर ये आपको मिलता है. नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड. तो आप जानते हैं कि जब लाल चींटी काटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन होती है. रीजन क्या है कि जो रेड एंट और नीटल होती है उसका जो स्टिंग होता है उसके अंदर, उससे ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंसर्ट करा देती है, जो इचिंग कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज करता है. तो फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या हुआ बच्चों? रेड एंट और नेटल स्टिंग. क्लियर है बच्चों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.